रात के नहीं बल्कि सुबह के 3:40 होने वाले हैं और हमारे ऑस्ट्रिच गुजरांवाला में पहुंच चुके हैं। अभी बस इनको हमने उतारना है। भाई हम भी साथ ही आ गए थे। असल में प्रॉब्लम ये हुई, आपको बताया था कि शकील भाई की तबीयत खराब हो गई थी, अब वो इस गाड़ी में तो आ नहीं सकते थे, फिर मजबूरन मुझे ही उन्हें साथ यहाँ पर लेकर आना पड़ा। और उस वक्त से लेकर ना अभी तक हम ड्राइव कर रहे थे, अभी मुझे सख्त वाली नींद आई हुई है, लेकिन बस अभी डॉक्टर आ रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट अभी शुरू हो जाएगा और उसके बाद हमने पहले ही इनको उतार देना है। और बाकी ऑस्ट्रिच देखिए वहाँ पर कितने ज़्यादा ऑस्ट्रिच आपको सामने नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं है बल्कि और भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी फ़िलहाल इनको यहीं पर छोड़ा जाएगा इस हवेली के अंदर और फिर सुबह इनको उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो भाई ये सारे काम करने के बाद हमने सो जाना है और फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे सुबह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो रात को भी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और ऑस्ट्रिच हमारे यहाँ पर थे, लेकिन हमारे उठने तक ना वो यहाँ से गायब होके जा चुके हैं। गे की साइड में है उधर। तो आ जाओ भाई मेरे साथ। सबसे पहले तो हमने अपने ऑस्ट्रिच को ढूंढना है। ये कलर ले हो ना, निशानी भी तो लगानी है ना। ये मैंने स्पेशल मंगवा लिया है, हमने अपने ऑस्ट्रिच के ऊपर ना निशानियाँ लगानी है ताकि जब भी आए हमें पता चलता रहे कि हमारे ऑस्ट्रिच इनमें कहाँ पर है। ओए होए सारे मेल एकदम से गुस्सा हो गया मुझे देख कर। देखो कैसे मुंह खोल रहे हैं। आता हूँ मैं तुम्हें सेट करता हूँ। यार ये देखो ना, इन्होंने गिरा दिया है। ये इतने बड़े बड़े भारी हैं लेकिन फिर भी ये गिरा देते हैं। हम ना इस साइड से चलते हैं, हमला तो नहीं करेंगे। ये देखें फीमेल बैठी हुई है सारी। ओ माशाल्लाह कितने ज़्यादा। वो हमारी वाली फीमेल है। ये देखें इसकी गर्दन पर पहले ही थोड़ा सा कलर इन्होंने लगा दिया था, अभी मैं ज़्यादा लगाऊंगा ताकि मैं जब भी आया करूँ ना मुझे पता चलता रहा करे। फीमेल तो हमें मिल गई है, मेल किधर है वो ढूंढो जरा। मेल भी इधर ही। मेल को भी ढूंढते हैं और फिर हम सबसे पहले ना ये कलर उनकी गर्दनों पे ज्यादा सा लगा देते हैं। ओए मारने के लिए आ रहा है, भागो भागो भागो। वो पहले ऊपर चला गया, अब कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। अच्छा तुम ऊंचे हो गए हो इसलिए है ना। वैसे ऊंचा तो मैं, कुछ स्टिक वगैरह ले गए हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें भागो भागो भाई आ जाएगा, इसका पता नहीं होता। ये भी इतने ज्यादा है यहाँ पर, जो बंदा आ गया ना एक दफा बच के निकल नहीं सकता। वैसे मैं स्टिक लाता हूँ फिर मैं जरा इसे सेट करता हूँ, तुम्हें मैं बताता हूँ। ले जी इलाज आ गया उस चीज़ का। अब आओ इधर, इधर आओ। और है फिर भी आ रहा है यार, ये कहीं हमला ही ना कर देना। तो ये लो तुम आगे जाओ, क्योंकि इसे पता है ना कि मैं यहाँ पर नया नया हूँ इसलिए गुस्सा कर रहा है। देखिए फिर से गुस्सा कर रहा है। पाइप को ऊपर रखो, हाँ यहाँ पर रखो, जितना इसकी हाइट से ऊपर रखोगे ना पाइप ये फिर डर जाएगा। जाओ जी। ये तो डर ही नहीं रहा यार, हमारे वाला तो डरता है। आ रहा है खुद ही चला गया, अच्छी बात है। अभी ना हम अपने ऑस्ट्रिच को कलर, और इसको तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा कलर लगा हुआ है, बस यहाँ पर थोड़ा सा सारी गर्दन ना मैंने। ओ यार ये तो भाग ही गया, अच्छा वाला बैठा हुआ था। तो देखें ये बड़ा वाला ऑस्ट्रिच है, ये ना इन सब के गैंग का लीडर है, सारे गैंग का लीडर ये वाला ऑस्ट्रिच है। देखिए कैसे यार खड़ा हो गया और हमारे वाले को ना भगा रहे हैं, क्योंकि वो नया नया है ना, जब ग्रुप में कोई नया ऑस्ट्रिच आता है ना तो फिर ये सारे मिलकर उसे मारते हैं। तो अब हमारे वाला पता नहीं कहाँ चला गया है और ये ग्रुप लीडर जो है देखें कैसे मज़े से यहाँ पर सबकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट लाइन पे है। इतने बड़े बड़े कूलर इनकी हवा के लिए लगाए गए थे लेकिन मुझे लगता है इन्होंने तोड़ दिए। ये देखिए इन्होंने क्या हाल कर दिया है, बहुत रिस्की जगह है भाई। आ गया, हमला करेगा। यार क्यों तुम इससे पंगे लेते हो, ऐसे ही हमला कर देगा मुझे तो। चलो ए चलो इसके ऊपर फेंकता हूँ, फेंको। ओए हो ये देखो, चलो। ओए यार भाई बहुत खतरा है इस जगह पर, यहाँ से निकलते हैं बस बहुत हो गया इनके लिए। वो कुछ खाना भी ये खाते हैं ना? फीड नहीं, उसके अलावा वो कोई वो जो कौन सा दरख्त होता है तोड़ के लाते हैं तो वो खाते हैं। हाँ हाँ वो लाते हैं इसके लिए ताकि ये खुश हो जाए। हम चलते हैं भाई, इसके लिए ना कोई नीम के पत्ते वगैरह लाते हैं, ये खाए ताकि खुश हो। इसने जब से मुझे देखा गुस्सा ही कर रहा है। चलो आजो, 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 निकलते हैं। ये बॉर्डर है, इसे आगे नहीं आ सकते, इसे गिरा तो सकते हैं लेकिन आगे नहीं आ सकते। वो लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है हमारे वाले ऑस्ट्रिच की और साथ में दूसरे की। ओह वो बेचारे हमारे वाले को भगा दिया, ये सिर्फ उसके लिए लीडरशिप के लिए लड़ाई हो रही है। इन सब में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वही इस पूरे ग्रुप का लीडर कहलाएगा। वो हमारे वाला देखें बेचारा ये आ गया, फिर लड़ाई होगी, फिर मारेंगे। वही ये देखें भाई फिर लड़ाई, उसको भगा दिया।
कोई बात नहीं, कुछ दिनों तक हमारे वाला ऑस्ट्रिच यहाँ का लीडर बनेगा। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों नीम लेने के लिए, ताकि इनको खिलाए और ये मेरे दोस्त बन सके, मुझे कुछ कहे ना। यहाँ पर रात को इतने ज्यादा रैबिट्स थे, ये जगह फुल थी, लेकिन अभी धूप की वजह से सारे रैबिट्स परिंदे सब कुछ अपने अपने घरों के अंदर चले गए हैं, जो कि इस तरफ हैं, इस तरफ भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में आके दिखाऊंगा, पहले हम जाते हैं ऑस्ट्रिच के लिए नीम लेके आते हैं। इस पानी के अंदर भैंसें नहाती हैं, ये पानी वहाँ से नहर से आता हुआ यहाँ से गुजर के आगे सब्जियों को लग जाता है, और ये बहुत ठंडा पानी है। लेकिन ये भैंसों वाला ना, तो यहाँ पर हम स्विमिंग नहीं कर सकते, ये भाई बता रहे हैं कि उस तरफ जो नहर है ना उस पर चले जाते हैं। तो पहले हम ऑस्ट्रिच को नीम के पत्ते वगैरह खिला देते हैं, अपना सारा काम यहाँ से करने के बाद ना, क्योंकि यहाँ पर यार इस्लामाबाद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे नहीं पता था कि इतनी तेज़ गर्मी यहाँ पर होगी, काफ़ी तेज़ वाली है। तो अभी हम उस नहर पे जाएंगे और वहाँ पर ना ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग करेंगे। यहाँ पर तो कौवों की पूरी फोर्स बैठी हुई है, लगता है हम पे हमला करेगी। इधर इधर वो देखें, एक इस तरफ, दो तीन इधर बैठे हुए हैं, नीचे कुछ चले गए, इधर उड़ रहे हैं। तो पहले ये भाई कह रहे हैं कि आपको ना हम सब्जियां दिखाते हैं। टमाटर किस तरफ लगे हुए हैं? उधर। अच्छा, उस तरफ लगे हुए हैं। ये तो सारी भिंडी और तोरी लगी हुई है, ये तो हमने देख लिया। टमाटर ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लगे हैं, तो वो देखते हैं, पता नहीं ज़्यादा हैं या थोड़े हैं। तो इस तरफ लगी हुई है सारी टमाटर की फसल, ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं। एक टमाटर तोड़ लेते हैं और सामने ऑस्ट्रिच को खिलाते हैं। एक तो सैंड बात ले रही है और दूसरी आ गई है। इधर आओ, ये देखो टमाटर तुम्हारे लिए लाया हूँ। इधर इधर, ये नीचे देख रही है, ऊपर देखो, ये है, ये खा लो। इसको ना यहाँ पर फेंक देते हैं, अब इनका दिल हुआ तो खा लेंगी भाई, इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा। तो ये पत्ते दोस्तों हमने तोड़ लिए, देखो कितनी ज्यादा गर्मी है, अभी से मुरझाना शुरू हो गए हैं, वहां से तोड़े हैं और मुरझाना शुरू हो गए हैं। भाई जल्दी से चलते हैं और इनको खिलाते हैं, ऐसे रखूंगा ना फिर मेरे पास घुमाएंगे। इस सारे एरिया में मछली पाली जाती है, और ये रहा बड़ा वाला पुल, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी यार इसे साफ करने में ना, और इसमें पानी भरने में 3-4 घंटे लग जाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। तब तक हम हो सकता है फिर नहर से नहाकर आ जाएं, और एक खुफिया रास्ता है वहाँ, उस कॉर्नर से हमें जाना है और वहीं से खिलाना है, क्योंकि जब ऑस्ट्रिच हमला करते हैं तो ये रास्ता उसके लिए बनाया गया है, फिर भाग के बंदा उसी रास्ते से बाहर निकल आता है। ये है वो खुफिया रास्ता जहाँ से जान बचाकर भागना पड़ता है इस कॉर्नर से। सबको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे जोर जोर से हिलाता हूँ, सारे आ जाओ। अभी यार यहाँ पर ना कोई अंडा भी नहीं पड़ा हुआ, अभी अंडा आता तो मैं उठा के ना आपको दिखाता हूँ। फिलहाल जितने भी अंडे थे यहाँ से सारे उठा लिए गए हैं। मेल सारे डर रहे हैं, फीमेल आगे खा रही है, मेल है ना थोड़े से मेल से दूर दूर रह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी हाइट का पता नहीं कौन सा वाला बंदा आ गया है यहाँ पर। फीमेल नहीं डरती बिल्कुल भी, लेकिन मेल जो है ना वो मेरे से काफी ज्यादा दूर दूर भाग रहे हैं। तकरीबन फीमेल ही आ रही है यार, मेल नहीं आ रहे, और ये फीमेल जो है ना ये डर भी नहीं रही। ओह, एक मेल आया है, आ जाओ तुम भी खा लो। क्या बात, सारे देखे माशाल्लाह मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ उस तरफ है, अभी इनके साथ एक शुगर लगाते हैं। लो भैया अब खा के दिखाओ, अभी भी खा रहे हैं यार, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो खा लो। ये नाराज हो गई है बेचारी। लास्ट टाइम मैंने अपनी रियो को किस की थी, उसके बाद वो दोनों को मैं किस नहीं कर सका था। गर्मी के वक्त ना इनको जैसे मैं अपने ऑस्ट्रिच को शावर दिया करता था, इनको भी अभी शावर दिया जा रहा था। देखिए कैसे इकट्ठे हो गए, और हमारी वाली फीमेल जो है ना वो सामने उस तरफ खड़ी है, मेल के साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रही है यार। अभी ना नए नए आए हैं ना, तो इसलिए भाई इनको यहाँ पर भेजने का सिर्फ एक ही मकसद था, और वो यही था कि देखें इनको यहाँ पर प्रॉपर इनकी जगह है, इनके पानी के बर्तन देखें हर वक्त इनको ताज़ा पानी है। ये चीज़ें तो वहाँ पर भी मिलती थी, सबसे मेन इशू खुली जगह का था, अब इनको खुली जगह मिल गई है। और इससे पीछे भी ना तकरीबन काफ़ी बड़ी एक जगह इन्होंने खरीद ली है, यहाँ से दीवारें तोड़ देंगे तो इनको और खुली जगह मिलेगी, जैसे इनको ना बिल्कुल नेचुरल माहौल मिलता है वो माहौल मिलेगा, फिर ये और ज़्यादा खुश होंगे। तो इस कमरे के अंदर इनक्यूबेटर लगे हुए हैं, जहाँ पर इन अंडों को हैच किया जाता है और बच्चे निकलवाए जाते हैं। लेकिन अभी मैं वहाँ पर जा नहीं रहा, क्योंकि शकील भाई की आपको मैंने बताया था तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो डॉक्टर के पास गए हुए हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो जब वो आएंगे फिर मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको ना यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ से कहीं से निकला है और इसके अंदर चला गया। ये जगह जगह कमरों के अंदर इन्होंने सुराख बनाए हुए हैं। ये रहे डायनासोर, और किधर, ओह वो एक छोटा सा बच्चा माशाल्लाह, ओह भाग के चला गया यहाँ से, तो बच्चे को पकड़ भी नहीं सकते। डायनासोर को पकड़ लिया है। ये मेल है फीमेल है? मेल। ये मेल है भाई, देखे कितना प्यारा है माशाल्लाह, और वो रही फीमेल है। अच्छा ये प्यारा है, और सिर्फ यही नहीं है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बहुत कुछ और चीजें यार, यहाँ पर भी कुछ। ये देखो जैन, ये रैबिट हाउस इन्होंने भी बनाया हुआ है, जैसे हमने बनाया। यहाँ पर खरगोश होते हैं? नहीं रहते, बाहर यहाँ नहीं रहते, तो इस जगह पर रैबिट नहीं रहते भाई। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह, टर्की की फीमेल अंडों के ऊपर बैठी हुई है कुड़ खोकर, और वो एक मुर्गी भी कॉर्नर में बैठी हुई है। देखें यहाँ पर भी कितना ज्यादा अंडे है, और मैंने अपने काम की चीज एक और देख ली है, एक लैला भी बैठी हुई है कुड़ खोकर। ये देखे, ये तो बड़ी खतरनाक है यार, काटती है आगे से।
पूरी नागन है यार, काटती है। ये टर्की का मेल भी आ गया है माशाल्लाह। यहाँ पर भी यार जैसे हमारे घर में सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। वो देखें मुर्गियों के साथ छोटे छोटे चूजे भी हैं, और इन्होंने कुछ इस तरीके से ना अंडों की जगह बनाई हुई है। यार ये क्यों काट रही है, ये तो इतनी शरीफ सी होती है, ये अंडों के ऊपर कुड़ुक होके बैठी है, तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा करी, इसको तंग नहीं करते, निकलते हैं भाई। वो मुझे देख इसने बोलना शुरू कर दिया, आज वो प्यारे दोस्त कितना प्यारा है यार। रैबिट तो हर जगह पर ही है, देखें हर जगह इन्होंने सुराख किया हुआ है, जगह खराब की हुई है। ओ क्या हाल है तुम्हारा, इधर लड़ाई तो नहीं करेगा, टकरे टकरे मारो नहीं यार, ये टकरे नहीं मारेगा, हमारे पीछे पीछे आएगा, इधर हो। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट है, साथ में ये भी एक बच्चा छोटा सा। जैन पकड़ो जरा, कोई बच्चा है तो उसको पकड़ो, मैं जरा इसके साथ तब तक खेलता हूँ। बस यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ गर्मी की है, इतनी ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी है कि मेरी ये शर्ट पसीने से फुल हो चुकी है, और ऐसे पता चल रहा है जैसे मैंने अपने ऊपर पानी गिराया हुआ है। तो इस तरफ है भाई साहब भैंसें, इस तरफ भी भैंसें हैं, मुर्गियाँ भी, और यहाँ पर कॉमन चीज़ ये है कि हर जगह पर ना आपको रैबिट्स नजर आएंगे, कोई हर तरफ एक दो पेड़ ये बता रहे लाएं, और अब तो यहाँ पर ढेर लग चुका है। और ये रही मकई, ले ओ भाई, और ये चारा अभी हम खिलाने वाले हैं इस पूरे एरिया के अंदर सबसे क्यूट चीज़ को, इसको। ये देखें, आज आओ आज आओ, पहले ये मुझसे डर रही थी लेकिन अभी नहीं डरेगी, इसे हम ना चारा खिलाते हैं, खाओ खाओ खाओ, आज हो ना यार, खाना शुरू कर दिया यार, इतनी ज़्यादा मोटी हुई हुई है, देखें हो सकता है इसके पेट में बच्चा हो। तो खैर यार अभी इसे हमने ये खिला दिया है, फिर बाद में इसे पानी भी पिला दिया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है, नींद रात से पूरी नहीं हुई, अभी मैं जाकर सोने लगाऊं और फिर उठकर हो सकता है नेक्स्ट लोग यहीं कहो या फिर घर कहो, कुछ पता नहीं है, ये तो जागने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए भाई चलते हैं, आ जाओ, इतनी गर्मी में यहाँ पर और खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो आज के व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।